वीजा मिलने का मुझे कितना टेंशन हो रहा था पता है? वो देखो। ओह माय गॉड। हे, मुझे तो लगता है किसी ने सरप्राइज प्लान किया होगा तुम्हारे लिए। अभी अभी ने कहा था मुझे सरप्राइज देगा। अभी? कितना क्यूट है ना? यही कहीं होगा। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट बन जाओगी। रोज जब मैं पढ़ने के लिए उठता था तो सबसे पहले तुम्हारा गुड मॉर्निंग मैसेज देखता था। हमेशा मैंने मार्क्स के लिए मेहनत की, फिर तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। तुम मेरी दुनिया हो आयरा। आई लव यू। Love you so much, Ira. Say yes. 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 Stop it, Abhi. Yes. 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 Abhi, stop it. Yes. 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 Stop it. Love you. Stop it. I love you. You? Yes. रेडी है क्या दास? वो कुछ 20,000 कम पड़ रहे हैं। क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर तो बहुत मुश्किल है। ए, मेरी बात तो सुन। क्या है बोलो। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया, पर मुझसे नहीं हो पा रहा है। प्लीज। मैंने पहले ही कहा था सर, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। रखता हूँ। दास फोन मत रख। सच कह रहा हूँ यार, बहुत कोशिश की, मुझसे नहीं हो रहा। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे छोड़ दे। ठीक है, पैसे लेकर वाले स्टेशन पे आ जाओ। वहाँ ब्रिज पे चढ़ के बीच में रुक जाना, नीचे दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे मैं दिखाई दूंगा। पैसे ब्रिज पे रख देना, विश्वनाथ का एड्रेस मैं चिट्ठी में लिख करके प्लेटफॉर्म पे रख दूंगा। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तेरा दोस्त तुझे नहीं मिलेगा, याद रखना। दास, हे, उठ जा भाई। ए दास, बात कर मुझसे। दास, क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? क्या आप इसे जानते हैं? बताइए।
कौन है ये? चाचा जी आप कहां पर हैं? मैं आपसे कितने बजे मिल सकता हूं? हेलो, विजेता सुपरमार्केट से बोल रहा हूँ। मैं साईराम बात कर रहा हूँ। हेलो सर, क्या हाल है? मैंने तुमसे गप्पे लड़ाने के लिए फोन नहीं किया है। एक सप्ताह पहले मूंग की दाल, उपमा रवा और चने की दाल का ऑर्डर दिया था। आ रहा है सर, आ रहा है, ऑन द वे है। अच्छा, सच में ऑन द वे है ना? वो तो एक घंटे में आ जाना चाहिए, नहीं तो वो रास्ते से वापस लौट कर आपकी दुकान पर ही पहुँचेगा। नहीं, नहीं, टाइम पे पहुँच जाएगा सर। रचिता, वो नीली ड्रेस वाली को देख रही हो? पहले वो पूरी रैक में ढूंढेगी, फिर जो चीज वहाँ पर नहीं है वही मांगेगी। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। बोलिए मैडम। आपके पास अन्नपूर्णा अगरबत्ती नहीं है? है ना मैडम, अंबिका अगरबत्ती है मैडम, मंगलदीप है, असली गुलाब भी। मैंने अन्नपूर्णा मांगी है। एक मिनट रवि सर, यहाँ आओ। साई राम के स्टॉक से अन्नपूर्णा अगरबत्ती है क्या, देखकर भिजवाने को बोलो। इसके पास 2 किलो ही है। बाप रे, इसके पास 5 किलो है और हमें चाहिए 4 किलो। ये करेक्ट है। सारी सब्जियां तुमने डैमेज कर दी यार। सॉरी, मैंने देखा नहीं। ठीक है, तू जा, मैं देख लेता हूँ। अरे सुनो, तुम भी किसी को बताना मत, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। वो टोकरी मुझे दो, 3 किलो से ज्यादा नुकसान नहीं किया होगा इसने। सर, विश्वनाथ जी पूछ रहे हैं कि अन्नपूर्णा अगरबत्ती का स्टॉक है या नहीं। पिछले 5 सालों से तुम असिस्टेंट मैनेजर हो, तुम्हें ये नहीं पता हमारे स्टोर में कौन सा स्टॉक है कौन सा स्टॉक नहीं है? तुम्हें ये नहीं पता? एसी में बैठ के यस मैडम नो मैडम कहना बंद करके थोड़ा काम ईमानदारी से किया करो। जाओ देख लो। सर, 2 कलिंगड़, 1 किलो बैंगन और आधा दर्जन एप्पल्स डैमेज हो गए हैं सर। मैंने कुछ नहीं मांगा था। आपके लिए नहीं है सर, आज मेरे घर पे मेहमान आए हैं ना। ठीक है, जो भी है ले जाओ। ए, तुम्हारी सैलरी मिल गई है क्या? मिल गई सर। मुझे 5,000 दो। 5,000? अरे दो ना, मैं वापस कर दूंगा। मैं क्या कहीं भाग जाऊंगा? फीस भरनी है यार। सर, इसे जोड़कर 25,000 हो गए हैं। बस 25,000 हुए हैं ना? क्या बस 25,000 हुए हैं? इतनी लापरवाही से कैसे बोल दिया आपने? देने का इरादा नहीं है क्या? अपनी शादी के लिए छुपा कर रखे हैं सर। तेरे पैसे क्यों नहीं दूंगा भला मैं? मेरे पास है मतलब, बैंक में रखे। चल जा। मैनेजर। यस। आपके यहाँ से मैंने ये शैम्पू खरीदा था, घर जाके देखा तो ये आधी बॉटल खाली है। हमारे सुपरमार्केट में ऐसा नहीं होता है सर, हम प्रोडक्ट के मामले में बहुत ध्यान देते हैं सर। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कौन हूँ पता है? आई एम रिटायर्ड जज, तुम सबको कंज्यूमर कोर्ट में घसीटूंगा। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा सर। जल्दी शैम्पू को रिप्लेस कर देता हूँ। ये लीजिए सर, 500 का गिफ्ट वाउचर, आप जो चाहते हैं ले लीजिए, खुश होकर जाइए सर। क्या है भाई ये? सर, तुम्हारी वजह से कंपनी को सुबह सुबह 500 का नुकसान हो गया है? आखिर डायमंड शैम्पू रैक में कैसे चला गया? मुझे नहीं पता है सर, मेरे स्टाफ ने भी ऐसा नहीं किया होगा। स्टॉक में रखते समय इन्होंने डैमेज किया होगा। सर, डैमेज होगा तो वहाँ रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम उसे सेपरेट रखते हैं बॉक्स में, उन्होंने खुद ही डैमेज किया होगा सर। स्टोर में ही घूमते रहते हैं सर, इनके पास स्टॉक रूम में जाके स्टॉक चेक करने का समय कहाँ है? सर, मैं अपना काम जल्दी खत्म कर सकूं और मैं कोई हेल्प कर सकूं, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? झूठ है सर, एसी के लिए आते हैं सर। सीसीटीवी में देखिए, जब देखिए एसी के सामने ऐसे घूमते रहते हैं सर। सर, वो रैक पर ऐसे स्टाइल से हाथ रखकर सेल्स गर्ल्स के साथ ऐसे बात करते हैं। इनका हाथ लग के बहुत बार प्रोडक्ट नीचे गिरकर डैमेज हुए हैं सर। चाहिए तो इनकी शर्ट देख लीजिए, उस पर डस्ट जरूर लगा होगा सर। डस्ट? आखिर हमारी शॉप में डस्ट कहाँ से आई? सुबह ठीक से सफाई नहीं की थी क्या? देखो, अपनी शॉप में सेल्स इंप्रूव करने के लिए पहले तुम दोनों अपना रिलेशनशिप ठीक करो, नहीं तो स्टाफ तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अब जाओ। जो हुआ उसमें तेरी गलती ज्यादा है, वो 500 तेरे खाते में डाल देता हूँ। सर, जा भाई। सर, डाल दिए, अब जा। आपको प्लेन डोसा देना है क्या? ये जल्दी करो। गुड मॉर्निंग बाबू, 2 प्लेट इडली। पैसे ले लो बेटे। 1 प्लेट इडली 10 रुपीस। उसमें नजर गड़ाए रखना बेटी, पिछली बार इडली खा के बिना पैसे दिए भाग गया था। 1 प्लेट उपमा 10 रुपीस।
ए, प्लेट्स को अच्छी तरह धो। रुको, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, तुम भाग जाओ। 1, 2, 3। दीदी आपके पैसे गिर गए। ये पैसे नहीं है, तुम्हें चाहिए क्या? हाँ चाहिए। मेरे साथ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? वीर शंकर। ए, फिर से रोड पर आ गया? रोड पे आने के लिए मना किया था ना तुझे? घर पर खेलने को कहा था तो यहाँ क्यों आया? अब चल। सब ये साइकिल की वजह से। मेरी साइकिल। चल बोला ना। मुझे साइकिल चाहिए। बड़ा आया साइकिल वाला। मेरी साइकिल चाहिए मुझे। चल। मैं नहीं जाऊंगा। चल। साइकिल चाहिए मुझे। दीदी, मुझे साइकिल चाहिए। ए, ये तुम्हारा भाई है? हाँ, तुम लोग कहाँ रहते हो? वो देखो वहाँ पर। हाय। हाय। तुम्हें ये पैसे पसंद आए क्या? हाँ पसंद। मैं बनाना सिखाऊं? स्कूल की गाड़ी आ गई। अरे रुक जाओ क्लास में बात करते हैं चलो। सर प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। अरे अभी अभी तो तोड़ा है, इतनी जल्दी पता कैसे चल गया? जाइए। नमस्ते सर, आपने बुलाया मुझे? माहिता के क्लास टीचर आप ही है ना? नहीं हूँ सर। तो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? सर माहिता बहुत ही शरारती बच्ची है सर, उससे बहुत ही। बच्चे भले ही कोई भी गलती करे, गलती उनकी नहीं है, उन्हें अनुशासन ना सिखाने वाले शिक्षक सही नहीं होते हैं। कितनी बार पढ़ा होगा ये आप? मैं हर रोज 2-3 बार पढ़ता हूँ सर। इस रूम में जब भी आता हूँ आप दिखाई देते हैं सर। फिर भी दिमाग में बैठा नहीं? बहुत पहले बैठ गया है सर। बैठा तो ये क्या हुआ बताइए? सर एक्चुअली एवरीवन शुड ऑन द स्विंग एट वंस टू चेक द वेट, ड्यू टू द एक्स्ट्रा वेट द चेयर्स आर ब्रोकन। तुम हिंदी के टीचर हो ना, हैं? तो हिंदी में बात क्यों नहीं करते? अगर आप हिंदी में बात नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? माफ कीजिए सर, इस झूले पर सभी एक ही साथ बैठ गए थे सर। तो फिर इसका वजन ज्यादा होगा और इस चेन का संबंध टूट गया है सर। क्या कहा? संबंध टूट गया? वो लिंक को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं था, इसलिए टेंशन में, सॉरी माफ कीजिए सर, टेंशन में था तो याद नहीं आया सर। अगर आप ऐसे ही जारी रखेंगे तो आपका जो स्कूल से संबंध है वो टूट जाएगा। एक अच्छी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी साथ लेके घूमिए। साथ रखूंगा सर, सॉरी माफ कीजिए। ले जाइए यहाँ से और शाम तक चेन को वो संबंध हाँ जोड़ देना प्लीज। ठीक है सर। मैंने नहीं, तूने ही चेन तोड़ दी। तुम चारों के अलावा सब बैठ जाओ। असल में तुम लोग जिंदगी में क्या बनने की सोच रहे हो? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या फिर मेरी तरह कोई टीचर बनना चाहते हो? Who do you want to be? I want to be happy. सेम पिंच। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ पता है, इसलिए पढ़ाई में ही नहीं शरारत में भी। अगर तुम्हें इसके आगे किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। मना करने के बाद भी बारिश में साइकिल चला रहा था, फिर क्या बुखार हो गया इसे? इसे तो बहुत तेज बुखार है, तुमने दवाई दी क्या? पैसे कहाँ है? शाम को पापा मजदूरी करके पैसे लाएंगे तब डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। पैसे तो हैं।
कहाँ पर? उसमें। वाओ, बहुत अच्छे बनाए। कैसे बनाए? ढक्कन से काट के। इस ढक्कन से बनाए? हाँ। माहिता, माहिता, लेट क्यों कर रही हो? मुझे स्कूल जाना होगा। हाँ? और कितनी देर इंतजार करूं? चलो। डैडी ने आज पैसे दिए हैं स्कूल फीस भरने के लिए। याद से रसीद लेने के लिए कहा है। फीस भरने के बाद बचे हुए पैसे से मैं कुछ भी ले सकता हूँ। भुवन, मेरी एक हेल्प करोगे क्या? बस 500 रुपए दोगे क्या? तो मैं 2 दिन में लौटा दूंगी। तो स्कूल की फीस 2 दिन के बाद भर देना। नहीं, मैं नहीं दूंगा। प्लीज भुवन, प्लीज। स्कूल फीस नहीं भरी तो मैं फंस जाऊंगा। मैं तुझे फ्री में आइसक्रीम भी खिलाऊंगी। फ्री में? हाँ, फ्री में। ये लो, वीर को हॉस्पिटल लेकर जाओ। लो, पकड़ो, जल्दी करो, उसे बुखार बहुत तेज है। बेटा गायत्री। हाँ भैया, ये लीजिए चाबियाँ। महालक्ष्मी नहीं है क्या? नई साड़ियाँ किसी को दिखाने के लिए गई है। क्या साड़ियाँ दिखाती है पता नहीं, 3 साड़ी किसी को देकर 30 खुद ही पहन लेती है। अगर कोई पूछता है साड़ियाँ अच्छी हैं या नहीं तो खुद पहनकर दिखाती है, और अगर किसी ने कह दिया अच्छी है तो खुद रख लेती है। इसे किस तरह का बिजनेस कहते हैं? इस बिजनेस को बंद करने के लिए तुम ही कुछ कहो उससे, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारी कर्जदार रहेगी। भाभी, वो तो भाभी, मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। शुगर पेशेंट्स के लिए जैसे शुगर फ्री मिठाइयाँ होती है ना, वैसे ही अल्सर पेशेंट के लिए बिना मसाले वाला अचार भेजे तो कैसा रहेगा? इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? यहाँ खड़े होके मेरी बुराई कर रहे थे क्या? मैं तुम्हारे सामने मुंह नहीं खोल पाता, तुम्हारी बुराई क्या करूँगा? अरे मैं तो भूल ही गई, साड़ियों के पैसे के लिए शांति के घर गई थी तो उसने एक बात बताई, न्यू रामचंद्र किराना स्टोर खुला है शहर में, वहाँ पे तो सामान बहुत ही सस्ता मिलता है। अच्छा, 1 किलो में 2-3 रुपए, मतलब 1 महीने का सामान खरीदेंगे तो पूरे 400 रुपए बच जाएंगे हमारे। भैया, वो न्यू रामचंद्र किराने की दुकान कहाँ है पता है आपको? नहीं पता मैडम। अरे सुनो तो, वो न्यू रामचंद्र किराना स्टोर? नहीं पता। आपने कहा था ना न्यू रामचंद्र किराना स्टोर। अरे यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं है, यहाँ नागराज मंदिर है। यहाँ से सीधे? हाँ सीधे 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 लो, यहाँ से राइट। अरे नहीं, लेफ्ट से। हाँ, तुम उसी मोड़ पर खड़ी हो ना, वहाँ से जंक्शन दिखाई देगा। हाँ, अरे वो अपना वाला जंक्शन। हाँ हाँ, वहीं पे। अरे ये तो फोन कट हो गया। अरे मैं शांति। ओहो, बैलेंस खत्म हो गया, 60 रुपए डलवाए थे। 60 रुपए पूरे खत्म हो गए? कब का खत्म हो गया? यहाँ पे मंदिर है ना, वो जंक्शन कह रही थी यही कहीं होगा, तुम्हारा फोन दो। मेरा भी बैलेंस खत्म हो गया। जब तुमने बात की थी तभी तो खत्म हुआ। अरे बापरे, तुम चलो ना, रास्ता पूछ लेंगे हम। वो देखो वहाँ पर है। अरे हाँ। अरे वो देखो ऑटो, ऑटो। कोटी बस स्टैंड चलोगे क्या? चलूंगा जी, 200 रुपए लगेंगे। 200 रुपए? 50 रुपए दूंगी। हाँ। आप कितने दिनों से ऑटो में नहीं बैठी हैं? उससे तुम्हें क्या लेना देना, पता करके पेपर में छापोगे क्या? 200 रुपए में एसी कार आ जाएगी। मैं तो परेशान। हाँ यार, वो विजय का रोज रोज का नाटक है। हाँ भाई, वही तो यार, परेशान हो गया मैं। कोटी बस स्टैंड चलोगे क्या? 250 रुपए लगेगा। बाप रे, एक ऑटो वाला तो 100 रुपए में पहुँचा देगा ऐसा बोल रहा था। तो उनके साथ चले जाओ। 150 रुपए में चलेंगे क्या भैया? चुप कर। फाइनल 200 रुपए, उससे कम नहीं लूंगा। वहाँ जाने पर 400 रुपए का फायदा होने वाला था हमें, 400 रुपए का नुकसान हो गया है। हाँ, और नहीं तो क्या, आने जाने का बस का टिकट। अच्छा, फिर वहाँ से ऑटो लिया। हाँ, उसके बाद हम दोनों ने सोडा पिया ना। मेरे फोन का बैलेंस भूल गई। वो तो भूल ही गई। बेटी गायत्री, तुम्हारी मनोकामना पूरी। आप अपनी सहेली को थोड़ा धीरे गाने के लिए कहो ना, मैं मंत्रों पे ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। ये अपने बेटे के गले या हाथ में बांध देना बेटी, नजर नहीं लगेगी उसे। स्वामी जी के पैरों को लगा कर लाया हूँ। आपका बेटा इस परीक्षा में ही नहीं, जिंदगी में किसी भी तरह की परीक्षा हो उसको विजय ही मिलेगी। पर वो तो बहुत छोटा है गुरु जी, भगवान पर श्रद्धा रखी इतनी अकल आई नहीं है उसमें। भगवान को हमारी श्रद्धा की जरूरत नहीं है बेटी, वो अपना काम करते रहते हैं, तुम भी अपनी कोशिश जारी रखो।
ये बैग कुछ खास नहीं लग रहा है ना, तुझे पसंद आया क्या? नहीं नहीं, मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगा। बैग किस लिए भाभी? बताती हूँ भैया। हाँ जी बोलिए। ये बैग निकालो जी। इसे पढ़ो। This is to confirm that Dr. K. Radhakrishnan, Indian Institute of Engineering. Sir, इसरो के राधाकृष्णन जी। Yes. राधाकृष्णन जी हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। Yes, yes, yes. उनके साथ 5 मिनट का इंटरेक्शन मुझे मिलेगा क्या सर? I know you are a big fan of him. मैं प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। Hey, तुम लोगों को पता है कौन आ रहा है? इसरो के राधाकृष्णन जी हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। इसे सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ। वो कौन है? Hey. वो फेमस साइंटिस्ट है यार, इसरो चंद्रयान। तुझे तो बताना ही बेकार है। मैं घर जाके माँ को बताता हूँ ये बात। शाम को तेरा ट्यूशन नहीं है, सबको मैसेज कर देता हूँ। 5 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, मैसेज कर दे। इतनी टेंशन में भी तुझे क्लास जाना है। इट्स सिमिलर टू दैट। डिफरेंस बिटवीन इनलाइन फंक्शन एंड फंक्शन सिंपल है यार। अनलाइक फंक्शंस, वी डिफाइन इनलाइन फंक्शन इन द कोड इटसेल्फ, तो कंपेयर के लिए एग्जीक्यूट टाइम होता है। इतना ही ना? बस इतना ही। ओके थैंक यू, चलते हैं। तुझे समझ में आया नहीं? उन्हें समझ में आया। क्या समझ में आया? तू बताता है तो आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में लिखते हुए दिमाग काम नहीं करता। कहीं तो देखा है, बस ऐसा लगता है, पर याद नहीं आता। हे, अगर इस बार मैं पास हो गया तो तुझे एक बढ़िया सी मैकबुक दूंगा। जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी बुक काफी है। हा? मैं एक महीने से रोज आ रहा हूँ तो ये फीस है क्या ये? हाँ। इसे अपने पास रखो। ले लो भैया, बाहर ट्यूशन के लिए इससे ज्यादा देना पड़ता है। शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, इसलिए ये कर रहा हूँ, पैसों के लिए नहीं। समझ गया ना? चल अब जा। hey, bye. 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 Hey, सिद्धार्थ, चलता हूँ यार। फीस लेकर नया लैपटॉप खरीद सकता है, तू इतने पुराने लैपटॉप को कब तक इस्तेमाल करेगा? लास्ट मंथ ही मैंने रैम और प्रोसेसर अपडेट करवाया है, 10,000 खर्च किए हैं, देखना कितना फास्ट चल रहा है। ए, इस बेकार लैपटॉप पे तूने 10,000 खर्च कर दिए, एक्सचेंज करके नया लैपटॉप ले सकता था यार। ये लैपटॉप मेरी जान है, मेरे मम्मी पापा ने 1-1 रुपए जमा करके खरीदा है, इसलिए मैं इसे बेचूंगा नहीं, हमेशा अपने साथ रखूंगा। गिर गया। हेलो हेलो बॉस, हेलो इधर सुनो। हाँ? ये लेटर कार के ऊपर रख दो ना। वो वाली कार? हाँ, वाइपर, वाइपर के नीचे। पता नहीं क्यों इसे यहाँ रखवाया। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो? इट्स माय कार। ओह ओके। हेलो, उस लेटर में क्या है? आई डोंट नो। लव लेटर है क्या? मे बी, उन लोगों ने कहा कि लगता है चले गए वो लोग। एनीवेज, पेपर वेस्ट मत करो, गिव इट टू सम अदर गर्ल। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये लव लेटर मेरा नहीं है, चाहो तो हैंड राइटिंग चेक कर लो मेरी। व्हाट? सुंदरता का कोई दूसरा नाम होगा तो वो तुम्हारा ही होगा। तुम्हारी गहरी नशीली आंखें किसी को भी मदहोश कर देती हैं। तुम्हारे होठों की मुस्कान किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। भगवान की बनाई नायाब कलाकृति हो तुम। Forget about handwriting, ऐसा लेटर में अपनी जिंदगी में नहीं लिख सकता। What? Really? It's all a joke. इसमें सब झूठ लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओहो, तुम होते तो क्या लिखते? पहले किसी से प्यार तो हो जाए। ए सुरेश, लगता है वो सेठ है, अब दूसरे नंबर से बात कर रहा है, ले बात कर। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? साईराम है क्या? आप? तुम्हारे सर को पैसे देने वाला बेवकूफ बोल रहा हूँ, एक बार साईराम को फोन दो। वो सर सर गांव गए हैं। गांव गए? चाचा जी की मृत्यु हो गई है ना, तो आज ही वो गांव चले गए हैं, और शौक में फोन शॉप में ही भूल गए हैं। ऐसा देख के पहले ही बेवकूफ बना चुका है वो, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, देख लूंगा उसे मैं। ओके सर। चाचा जी क्यों कहा? दादाजी कहना चाहिए। शांत हो जाइए सर, अब तक आपके दादाजी जिंदा है बोलूंगा तो कोई नहीं मानेगा। वैसे आपने उसके पास से उधार क्यों लिया सर? मांगने की बारी आई तो वो शैतान बन गया, पर जब मैंने पैसे दिए तो भगवान की तरह चुपचाप रहा। ठीक है, वो 10,000 है क्या? सेठ को देना ना मुझे? नहीं है सर। नहीं है ना, तो बेकार की सलाह भी मत दे, चल जा। टॉपिक अच्छे से चेंज किया। अरे अरे, संभल के। कौन से जंगल से आयो भाई तुम लोग? लगी तो नहीं, उठी। टक्कर लगती तो मर जाते। संभल के। गधा कहीं का। अरे छोड़ो यार, अरे कुछ नहीं हुआ।
अरे मेरे बाइक की चाबी। ए सुनो, ए रुको, कौन हो तुम? परेशान मत हो साहब, हमें मालक पेट के सेठ ने भेजा है। मालक पेट सेठ? वो कौन है? अपने सेठ से उधार लिया था ना, वो दे दो, चाबी लेके जाओ। वो कोई और होगा, बेवजह आपने मुझे गिरा दिया। अपने सेठ से जाकर पूछो कि वो है कौन। तुम साईराम नहीं हो क्या? कौन? साईराम। मैं नहीं हूँ। ये गाड़ी तेरी है ना? हा? गाड़ी? हाँ मेरी है। तो ये गाड़ी साईराम के नाम पे क्यों है? अब लेके जाओ ना। ये तो चोर की आरसी है। तुम्हारे सेठ को किसी ने धोखा दिया है। ये कौन है? ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है। वसूली करता हूँ तो ऐसे बहाने लोग बनाते हैं, समझा? पैसा दे देना, चाबी लेके जाए। चल चाय के लिए बोल। अरे साई, कैसे हो? चाचा जी थोड़ी हेल्प चाहिए। वो मालक पेट के सेठ को आप जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। अभी आप जाके अर्जेंट उसे 10,000 रुपए दे दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीक दे दूंगा। ठीक है, मैं सेठ से बात करता हूँ। वैसे तू कैसा है? मुझे भी बहुत से लोगों से पैसे लेने, पर किसी को ऐसे रोड पर रोक कर मैंने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। वसूली करना है तो बोलिए साहब, मैं वसूली कर दूंगा ना। 100 पे 5 बनेगा बस। मैं खुद एक बहुत बड़ा गुंडा हूँ, समझा? मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। हाँ सर। उसे चाबी दे दो। ठीक है, ये लो पकड़ो अपनी चाबी। साहब मेरा नंबर ले लीजिए। साहब आप भले ही कितने बड़े पहलवान हो, लेकिन वसूली करने निकलेंगे तो कोई डरेगा नहीं आपसे। अगर ये काम हमें दोगे तो हम भी 2 पैसे कमा लेंगे। 7 8 9 1 0 दूर रह के बोलना। 4 5 1 2 3 हमारे सभी ब्रांच में सेल अच्छी हो रही है, बस इसी ब्रांच में अभी तक पिकअप नहीं हुआ। किसी के पास अगर कोई आइडिया है तो बताओ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन शॉपिंग सर। ये तो सबको पता है, मैंने आइडिया मांगा है। ऑल राइट, 1,000 रुपीज फॉर गुड आइडिया। सर MRP को बदल के 25% तक मेगा डिस्काउंट से रख देते हैं सर। ये कस्टमर को धोखा देना होगा। मिडिल क्लास लोगों के लिए डिस्काउंट में खरीदारी करने की खुशी उन्हें हम देंगे और हम कैश भी बनाएंगे। हम उनको धोखा नहीं दे रहे हैं सर, प्रोडक्ट के साथ साथ हम उन्हें खुशी भी दे रहे हैं। ये सही नहीं है। कस्टमर के इम्पोर्टेंस के बारे में गांधी जी ने एक बात बताई थी, पता है? तुम्हें नहीं पता होगी, आप में से किसी को पता है? मुझे पता है सर, एक कस्टमर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। बस इतना ही सर। किसी को नहीं पता है क्या? A customer is the most important visitors on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider or business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. Sahi kaha. पर हम गांधी जी के समय में नहीं है ना सर। सर सर सर, हमारा 80% स्टॉक शाम तक क्लियर हो जाएगा सर। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए रिटायर होने की सोच रहा हूँ। ये क्या सर, अचानक? अचानक नहीं, 1 साल से सोच रहा था। उम्र हो गई है, काम नहीं कर पा रहा हूँ। और एक बात, तुम दोनों की मैंने सिफारिश की है GM से, वो फर्स्ट वीक में आएंगे इंटरव्यू लेने। तुम दोनों में से एक मैनेजर बनेगा, भले ही कोई भी मैनेजर होगा, दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। इस स्टोर को अच्छे से डेवलप करना होगा, इसे संभाल लेना। ठीक है, ओके सर। कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेट्स। मैं वहाँ 10 मिनट रुका था, और रुकता तो सभी गेट के बाहर रहते। यहाँ पर
कब आया? तुम्हारे पीछे ही तो आया। All class teachers are requested to send students participating in annual day celebrations to the auditorium. चलो चलो अंदर चलो। जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी। ए रुको। कहाँ जा रहे हो? चलो जाओ। वो सब तूने किया? माइदा, तेरा दोस्त वीर वो गेट पर खड़ा है। वीर? हाँ ना। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। ड्रामा में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी अपने कॉस्ट्यूम ऑडिटोरियम में जाकर लेके आओ। तुम ड्रामा में तो नहीं हो ना? मैं वीर से मिलकर आती हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी को बता के आए हो? दीदी को बताए बिना आने से मना किया था ना मैंने। चलो घर जाओ। जाओ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। स्कूल में आना है क्या? जल्दी आओ। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ बैठ जाओ और यहाँ से हिलना मत। ये तो कितना बड़ा है अंकल। इसकी ड्रेस इसे फिट नहीं हो रही है। क्लास के बीच में बाहर मत निकलना, ठीक है ना? एक्सक्यूज मी मैम, एडमिशन मैम। ओ, न्यू एडमिशन। कम। वेरी गुड। कम। व्हाट इज योर नेम? वीर शंकर मैम। वीर शंकर, वेरी गुड नेम। कम सिट हियर। गुड, रिपीट आफ्टर मी। लेट अस राइड अ ट्रेन। चुक। Let us ride the train. Chuk. ये यहाँ किसने रखा? पता नहीं मेम साहब, छोटे साहब ने रखा होगा। मैंने कितने प्यार से दिया था। रोज कॉलेज ले जाऊंगा तो माँ कितनी खुश हो जाएंगी, ये तो कभी सोचता ही नहीं है। मैंने ही बेकार में खरीदा इसे। इस घर में सब अपनी मनमानी करते हैं। इसमें कोई कमी है क्या? हाँ भाभी। अरे वाह, कितना अच्छा डिजाइन बनाया है। क्या दिमाग लगाया है तुमने। अच्छा है ना? हाँ भाभी। अरे जो मुझे साड़ियाँ बेचता है उसने एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया है। जो साड़ियाँ पसंद नहीं आई कहा है वहाँ जाकर बदल लो। चलोगी क्या साथ? साड़ी बदल के आती हूँ। दीदी जी, ये लाल वाली साड़ी और हरी वाली साड़ी आपने तो पहन ली थी ना? मैंने पहनी थी ये से तुझे और मुझे पता है। शॉप वाले को पता है क्या? मुंह बंद कर अपना। एक बार पहनने से साड़ियाँ पुरानी थोड़े ना होती हैं। ये 20%, ये 30%, ये 50%। इतना डिस्काउंट क्यों? आप ही की दुकान से तो खरीदी है। डिस्काउंट किस बात का? ये इस्तेमाल नहीं किया इसलिए 20%, इसे एक बार इस्तेमाल करके इस्त्री किया इसलिए 30%, ये 2-3 बार से ज्यादा इस्तेमाल किया इसलिए 50%। अरे किसने बताया? देखो तुम किससे बात कर रहे हो पता है ना तुमको? मैं बहुत ही ईमानदार औरत हूँ। तो फिर बगल वाले शॉप पे जाके ट्राई कीजिए। अरे ये क्या? भाभी सच पता चल गया है लग रहा है। जितना देगा उतना लेना ही अच्छा होगा, मान जाओ। बहुत ही चालाक है। ठीक है, फाइनल कितना दोगे बताओ? 11,000 दूंगा। ठीक है, 11,500 दे दो जल्दी। नहीं, 11,000 दूंगा, ये लो। आप है इसलिए 2 फ्री बोट राइडिंग टिकट भी दे रहा हूँ, ये लीजिए। फ्री है? हाँ। मैडम आपकी बोट वहाँ है, उधर जाइए। अच्छा कहाँ? उस तरफ। हाँ जी, टिकट दिखाइए। साइकिल की बोट?
वो साइकिल बोट है, वो नहीं चाहिए। ये देखो स्पीड बोट है ये। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है मैडम, आपकी बोट वही है। ठीक है भाभी, चलो चलते हैं। क्या तुम भी? फ्री में मिले हैं दो टिकट, बर्बाद कर दे क्या? बाप रे, इतनी जोर लगाने पर भी नहीं चल रही है तो। जोर लगाओ भाभी, बस थोड़ी दूर और है, थोड़ी दूर। चलाओ चलाओ, फ्री में टिकट दिया है ना, किसी तरह से आगे तो बढ़ना होगा। गायत्री, गायत्री, बाप रे, गायत्री, भाभी बोट घुमाओ। क्या हुआ? बेटी गायत्री, क्या हुआ भाभी? चलाती रहो, चलाती रहो। मेरा बैग, मेरा बैग कहाँ चला गया? अब भाभी, अरे वो देखो, वो देखो, गिर गया। अरे पीछे लो, पीछे लो, अरे पीछे, भाभी स्पीड बोट आ रही है। घुमाओ घुमाओ, ओ जाने दो जाने दो, अब क्या करें? गणपति की तरह विसर्जन हो गया समझ लूंगी, रहने दीजिए भाभी। वैसे वो कौन था भाभी? जिस कॉलेज में पढ़ाई की थी उसके प्रोफेसर हैं। बहुत मजाकिया इंसान है, हमेशा हंसते रहते हैं। क्लास में जो भी काम दिया करते थे ना, हंसते हुए करने को कहते थे। तो फिर इतने अच्छे इंसान को देख के भाग क्यों रही थी? कुछ नहीं भाभी, पहले जब उन्हें जरूरत होती तो मेरी तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, 500 रुपए हैं कहकर मुझसे ले लेते थे, और शर्त रखते थे कि हंसते हुए दोगी तभी तुमसे पैसे लूंगा। बेचारे बहुत मुश्किल में रहते हैं, पर अभी मांगते तो मैं कहाँ से लाती? मेरे पास नहीं है ये कहने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। भैया यहाँ यहाँ, ए हेलो, फालतू में बोट में बैठ गए। भैया तुम्हें पुण्य मिलेगा, हमें किनारे तक ले चलो प्लीज। पुण्य का मैं क्या करूँगा दीदी, 500 दीजिए पहुँचा दूंगा। कैसा लगा ये? क्या ये सब टाइम वेस्ट है यार ये। हे चेन्नई IIT वालों ने YouTube पर ऐसा ही वीडियो बनाया है, सुपर हिट हुआ है। हम भी बनाते हैं यार, मजा आ जाएगा। हमारे कॉलेज का YouTube चैनल नहीं है, है? क्या कर रहा है? IIT का सच में कोई YouTube चैनल नहीं है? भाई वही तो बता रहा हूँ, है ना? नहीं है। हाँ है, हम बनाते हैं। सुपर यार, यस। अरे क्या शूट कर रहा है? फ्रेम उधर है, आलम से क्या कर रहा है? आज तो बहुत मजा आया ना? हाँ बहुत मजा आया। अच्छा तुमने कहा। Oh my God, डर गए क्या? अरे हाथ हटा। अरे इसकी तो निकल पड़ी भाई। तेरा हाथ क्यों हिल रहा है? ठीक से पकड़ना। सेमिनार हॉल में सब कुछ अरेंज कर दिया है सर। इट्स परफेक्टली फाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड दिस इज माय इंट्रोडक्शन स्पीच। एक बार देख लीजिए सर। इट्स गुड। थैंक यू सर। नेम, ईमेल या फोन नंबर? आई विल राइट माय नेम। ईमेल आईडी पर फोन नंबर लिखूंगी तो काफी होगा ना? श्योर। ओके ओके।
अभी एक बार वहां जाकर चेक करो। क्या हुआ अभी? जिसे तूने किस किया था वो मंजिरा मॉल में है। क्या सच में? तूने ठीक से देखा? सच कह रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने है, चाहिए तो खुद आके देख ले। कहाँ है वो? कुछ देर पहले मैंने वहां पर उसे कूपन भरते देखा था। चली गई क्या? हे, हम कूपन बॉक्स चोरी कर लें क्या? अरे इससे हमें उसका एड्रेस मिल जाएगा। ए से स्टार्ट होने वाली लड़की का नाम निकालो। ओके, हे आरती का नंबर। हे दिखाना। ए नहीं था, बी भारती। ए ये कम से कम 30 होंगे, सबको एक एक कॉल करके देखते ना। आवाज पहचान ली तो 10 मिनट में मिल जाएगी। यार अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तू जो कूपन निकालेगा वो उसी का होगा, तेरा प्यार सक्सेस होगा, तेरे प्यार को क्लैरिटी मिल जाएगी। निकाल यार, यार निकाल। सही है, निकाल। निकाल 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 ना यार, निकाल ना कर रहा है, निकाल। सोच कर रहा है। यस यस। आयरा आयरा आयरा, अरे नंबर भी है, फोन लगा। हेलो, वही है क्या? अरे बता ना, बात करना, बात करना। हेलो, आपने फोन किया है तो कुछ बोलिए। हेलो, आपने SR ज्वेलर्स का लकी ड्रॉ कूपन फिल किया था? Yes. आपने वो कंपटीशन जीत लिया है मैम। सच में? अभी तो कूपन भरा था, इतनी जल्दी विजेता भी चुन लिया? हाँ मैडम, सच में। ओह, गिफ्ट क्या है? हेलो, लव। व्हाट? यस, प्यार। ये कोई पागल लगता है। साईराम सर ही नेक्स्ट मैनेजर बनेंगे। सभी का कहना है विश्वनाथ सर बनेंगे। हाँ माँ ने बताया था, सुना है बहुत अच्छा रिश्ता है। उस विश्वनाथ का बहुत ज्यादा ही हो रहा है। उस साईराम का? वो खुद को मैनेजर समझ रहा है। समय आने दो, बदल लो। पैसे भले ही कितने भी हो, पर ऑटो में पसीना आता ही है। ठीक है चाची, मैं इसे कह दूंगी। बचपन में जब पैसे नहीं होते थे, मेरे पापा से पैसे मांगते थे, और अब ऑटो में पसीना आता है कह रही है। गारंटेड मैनेजर की पोस्ट साईराम सर को ही मिलेगी। विश्वनाथ सर ने MBA किया है, मैनेजर पोस्ट उन्हें ही मिलेगी। विश्वनाथ जी ने MBA किया है? ए, मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, मैं मैनेजर बनने वाला हूँ। इस बार मैंने स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज में भी अप्लाई किया है। ये कौन है? हमारी पिक में भी है। ए, लगता है ये हमें फॉलो कर रहा है। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, प्रीति तुझे ही फॉलो कर रहा है। चल भाई टाइम हो रहा है, हमें पढ़ना भी तो है। अभी देर रुक जाना यार। ये और इनकी सेल्फी। ए, कॉलेज में फर्स्ट आऊंगा, मैंने पापा से वादा किया है। ए, देखो हाँ? अच्छी है ना? हाँ हाँ यही है। ये तो इधर ही आ रही है। चला ना। चलो देखते हैं। लगता है पकड़े गए, ना तो तू मुझे जानता है और ना मैं तुझे जानता हूँ। ठीक है, मैनेज कर मैनेज कर। तुमसे ही कह रही हूँ। हाय।
तुमसे नहीं, वो जो वहाँ पर है उससे। अच्छा इनसे? Excuse me सर, आपको बुला रही हूँ। इधर आइए सर। बोलिए मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सबवे में आज बहुत ऑफर्स हैं। वैसे आप सब मुझे क्यों बुला रही थी? तुम रोज फॉलो क्यों कर रहे हो? क्या कह रही है मैडम, मैंने इन्हें पहली बार देखा। मैंने कहा सर फॉलो कर रहे हो, इस लड़की को फॉलो कर रहे हो ये नहीं कहा। चलो फोन में फोटो दिखाओ, शायद याद आ जाए। जाने दो ना मैडम, फोटोज देखने से याद आ जाएगा। टेबल पर देखो ना, किधर है फोन? मेरी हेल्प करना। रिंग हो रही है क्या? नहीं। अच्छा दोबारा ट्राई करो। हाँ? आपका फोन गुम हो गया क्या? हाँ। आई कैन फाइंड इट इफ यू वांट। ओके। अपनी आईडी बताइए। किस फोन में एक IMEI नंबर होता है, उससे हम फोन को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। aira07@gmail.com। आपका पासवर्ड? मोबाइल ट्रैक हो गया, वो मॉल से लेफ्ट टर्न ले रहा है, अगर हम जल्दी गए तो उसे पकड़ सकते हैं। Come on, hurry up! एक इडियट को वार्निंग देने निकले थे, इतने में मोबाइल चोरी करके स्विच ऑफ ही कर दिया। स्विच ऑन है? हाँ? बस सिम बदल दिया है। यही बगल में मेरा कॉलेज है। इधर? Go take a right here, fast, 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 fast. ट्रैफिक में ज्यादा फास्ट नहीं चल सकते हम। मिडनाइट ड्राइव पे कभी नहीं गई हो क्या? पूरी रोड खाली होती है, जितनी चाहो उतनी तेज भगाओ। Can you just check? Oh, stop, 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 stop. यहाँ साइड में लगाओ, साइड में. Stop. What? हम उससे आगे आ गए हैं, वो पीछे आ रहा है। करेक्टली पता है क्या? बातों बातों में मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम सीरियसली कह रहे हो या फिर ये मजाक है? मैं बहुत जल्दी से विश्वास कर लेती हूँ। नो नो नो, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। चाहो तो तुम भी देख सकती हो। एक बार अपना फोन दोगे? मॉम को कॉल करना है। टच काम नहीं कर रहा है? मेरे स्मार्टफोन की बैटरी डेड हो गई है, ये मेरा बैकअप फोन है। हेलो मम्मी, मेरा फोन चोरी हो गया है, कॉल मी ऑन दिस नंबर। ओके? आराम से आराम से आराम से। फोन तो अच्छा है। फोन यहीं कहीं होना चाहिए। हे, दैट्स माय फोन। पासवर्ड क्या होगा पता नहीं, नहीं खुला तो फोन किसी काम का नहीं है। अब चलो निकल गाड़ी, भगा भगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अपना नंबर तो व्हाट्सएप करती हूँ। शाम को मैं ही कॉल कर देता हूँ। अपना नंबर तो दो। सर, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? बीकॉम। पास या फेल? ए, बताइए ना सर, आखिर बात क्या है? उस विश्वनाथ ने MBA किया हुआ है सर। हाँ तो? स्टोर में आखिर हो क्या रहा है कोई खबर नहीं है, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। MBA किया है इसलिए विश्वनाथ को ही प्रमोशन मिलेगा ऐसा सबका कहना है। उसकी शक्ल, चल जा, जो करना है करो। ए सुरेश। सर। MBA होने से उसे नौकरी तो मिल जाती है, प्रमोशन नहीं। 30,000 भरूंगा तो मुझे भी MBA का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन मेरे जैसा एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर सकता। जा, सबको बता देता हूँ। सिर्फ एक्सपीरियंस वालों को प्रमोशन देने के लिए? ये क्या कोई गवर्नमेंट जॉब है क्या? तेरे सर को इंग्लिश में बात करना आता है क्या? उनके मुंह से गांधी जी का कोटेशन नहीं सुना क्या? कोटेशन तो रट के कोई भी बोल सकता है, जनरली तेरे सर को इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना आता है क्या? आस्किंग व्हाट फ्लेवर? इट्स नॉट वैनिला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी केक आई हैव ऑर्डर फॉर। या आपको इंग्लिश में बात करना आता है क्या? मुझे ठीक से हिंदी तो आती नहीं है, इंग्लिश कहाँ से आएगी? तो फिर उस दिन गांधी जी का जो कोटेशन आपने बिना रुके बोल दिया था वो क्या है, कॉलेज के दिनों में मैंने उसके बारे में पढ़ा था, वो कोटेशन मुझे अब तक याद है, ये मुझे उसी दिन पता चला। ऐसे चेहरा क्यों बना रहा है? कोई मर गया क्या? कल इंटरव्यू करने के लिए जो GM आएंगे उनको हिंदी नहीं आती है सर। अभी अभी विश्वनाथ जी ने केक भी ऑर्डर किया है। इसलिए आप इतने भोले क्यों हैं सर? वो पार्टी देने का प्लान कर रहे हैं। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता जा रहा है, इस प्रमोशन की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है।
प्रमोशन को अभी के लिए साइड में रख दो। विश्वनाथ अगर मैनेजर बन गए तो आपको नौकरी से भी निकाल देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है सर। पंद्रह साल तक मेहनत करके स्टॉक बॉय से इस पोजीशन पर पहुंचा, यहां से अगर बाहर निकल गया तो फिर से जिंदगी स्टॉक बॉय से शुरू करनी होगी। उसके पास एमबीए है, उसे ये नहीं तो दूसरी नौकरी मिल जाएगी। ये प्रमोशन आपको ही मिलना चाहिए, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं सर। आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो ठीक नहीं है, कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है, जल्दी से बाईपास सर्जरी करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी क्या अभी कर दीजिए सर, अभी। क्यों रे, आधार कार्ड है क्या? नहीं है सर। तो फिर राशन कार्ड है? नहीं है सर। दूसरा कोई आईडी प्रूफ है क्या? अरे ऑपरेशन करने के लिए इसकी क्या जरूरत है? सही है भाई, तूने जो कहा सही है। 1,70,000 रुपया लिया, तेरा ऑपरेशन मैं करवा दूंगा। 1,70,000? मेरे पास पैसे नहीं है। कार्ड नहीं है, प्रूफ नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? ये ले जा। साहब, परेशान क्यों होते हैं साहब? कोई और रास्ता बताइए ना। एक काम कर, 1,50,000 लिया, वैसे भी तेरी हालत ठीक नहीं है, और तू जरा सिगरेट और दारू से दूर रहे, फिर से एक बार अटैक आए तो मर जाएगा, सच कह रहा हूँ मैं, देख ले। साहब, हेलो दास, मैं साईराम बोल रहा हूँ। कौन? अरे वही जिसकी तूने बाइक रोकी थी बीच सड़क पर, कुछ अभी याद आया। बोलो साहब, शहर में है क्या? हाँ साहब, बात क्या है? ध्यान से सुनना, कल एक को तुम्हें रोकना है, जैसे मुझे रोका था मेरे ऑफिस ना आ सके इसलिए 2 घंटे, नहीं 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 3-4 घंटे रोकना होगा। रोक पाओगे उसे? रोकूंगा ना साहब, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझ गए? कितना लोगे? 10,000। 10,000? क्या कह रहे हो? जितना मन करेगा उतना मांग लोगे, घर की खेती है क्या? 2,000 दूंगा। तुम्हारा और मेरा जमेगा नहीं साहब। ठीक है ठीक है, 3,000। 5,000 है तो बताइए साहब, वरना फोन रख दीजिए। 5,000? ठीक है, शाम को गांधी के पुतले के पास मिलना, उसकी फोटो दूंगा और गाड़ी का नंबर बता दूंगा। ओके, व्हाट कलर इज दिस? येलो। वेरी गुड, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? वीर, गेट अप। व्हाट इज दिस? बॉल। सी हियर एंड टेल मी व्हाट इज दिस? बॉल, हम इससे खेलते हैं। टेल मी प्रॉपरली, व्हाट आर यू डूइंग? क्या है ये? कम, आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स। वीर, वीर, यहाँ आओ। कम। हाँ रामशरण, सुनो सर, इस बच्चे को ले जाकर उसके घर छोड़ दो। ओके सर, आ जाओ। आओ। तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटी, अच्छा काम किया है, राइट वे से करना चाहिए, ऐसे रॉन्ग वे से नहीं। अब क्लास में जाओ। माइता, ये प्रिंसिपल जी ने दिया है। हे, वीर को स्कूल में एडमिशन मिल गया। वीर कहाँ है? कहीं खेल रहा होगा।
वीर अब रोज हमारे साथ स्कूल आके पढ़ सकता है। कल सुबह तैयार रहने को कहना, मैं कल उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। हमारे प्रिंसिपल सर ने वीर को एडमिशन दिलाया। छुटकी, तेरी शादी में चाची ने कोई कमी नहीं रखी है। ये अच्छा है ना, और वो जो मॉडल्स है ना वो दिखाइए। चाची वो नेकलेस देखो, अच्छा है ना। माँ हाँ, ये कैसा है? ये रिंग दिखाइए ना सर। ओके मैडम, ये ना मैम। मैडम मुझे तो ये डिजाइन बहुत पसंद आया। माँ बेटी गायत्री, हाँ जरा इधर आओ ना। सर से नई डिजाइन के लिए बोलो। जी जी, मंडे तक मिल जाना चाहिए, समझे? हाँ ठीक है। ये कैसा लग रहा है बताओ? डिजाइन बहुत अच्छी है। वो यहीं पर तो थी, क्या हो गया? सर एक रिंग नहीं मिल रही है सर, कहाँ चली गई? लगता है उनके पास है। देखो मैडम, वो जो आप रिंग देख रहे थे वो वहीं पर रख दी थी। तुम जाके सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक करो। गलती से बैग में तो नहीं रख ली? देखो ये थी क्या सर? हाँ सर, भले ही पैसे ना हो पर आत्मसम्मान अभी भी बाकी है। सर सर, वो विश्वनाथ अब तक नहीं आया सर, बीमार होके अगर आज नहीं आएगा तो अच्छा ही है ना सर। विश्वनाथ कहाँ है? पता नहीं सर। नहीं आए सर। आया नहीं? जरा फोन देना। उसका तो कॉल ही नहीं लग रहा। सर शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे। वेलकम, ये हमारे असिस्टेंट मैनेजर। नमस्ते साईराम। Where are the other assistant managers? वो अभी तक आया नहीं सर। We are calling him. His mobile is not connecting, sir. Calling has been switched off. Can I have your attention? He is our new manager. Oh, thank you so much, sir. Wonderful. Keep up the good work. Let's go. Congratulations again. क्यों भाई, फिर से अपना लैपटॉप अपग्रेड करवाना है क्या? सर्विस करना है? नहीं, बेचना है। स्मार्टफोन खरीदना है यार। तूने बोला था तेरी जान है, मेहनत के पैसे से खरीदा था। 15,000 चाहिए, एडजस्ट करेगा क्या? उतना तो नहीं है यार, नेक्स्ट मंथ ट्राई करूंगा। मुझे अभी चाहिए। बहुत पुराना मॉडल है, 8,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं बेचना। क्या प्रॉब्लम है? ये पुराना जरूर है सर, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन हाई है सर। 4GB DDR RAM, NVIDIA Quadro ग्राफिक कार्ड, 1TB हार्ड डिस्क, बैटरी बैकअप भी 3 घंटे का है। ये किसी स्टूडेंट को देता तो वो आंख बंद करके ले लेता। ये लैपटॉप मेरे दिल के बहुत करीब है, इसे मैंने बहुत ध्यान से इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। दिल के इतने करीब है तो बेच क्यों रहे हो बेटा? जो दिल के और भी करीब है। hey, वो देख। कहती है पर्स पे गलती से तो नहीं रख ली तूने? क्यों बेटी गायत्री, मुझे पहचाना नहीं? आधा घंटे में पूरी किताब पढ़कर 1 साल बाद पूछने पर भी उसके सारे अक्षर बता दिया करती थी। क्या तुम मुझे अब भी पहचाने से इनकार कर रही हो? तुम जब कॉलेज में पढ़ती थी तो कभी कभी तुमसे 100-200 उधार ले लिया करता था मैं। कुछ याद आया? याद है सर,
इसलिए भूल गई। अभी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुमसे बात करना अब भी मुश्किल है गायत्री। मरने से पहले कोई उधार तुम पर ना रहे ऐसा बुजुर्ग कह के गए। तभी तो तुमने मुझे मदद के तौर पर पैसे दिए थे। तुम्हें वापस चुकाने के लिए मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। पूरे 5,000 है सर, दे देंगे तो आपका उधार उतर जाएगा। उन दिनों में मेरे पास मेरे बेटे की जॉब एप्लीकेशन के लिए भी पैसे नहीं थे। बहुत से लोगों ने मुझे उधार देने से मना कर दिया। तब आखिर में मैं तुम्हारे पास ही आया था। तुमने मुस्कुराते हुए मुझे खुशी से पैसे दिए थे। आज मेरा बेटा सिंगापुर में खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है। लेकिन 5,000 देने से मेरा उधार नहीं चुकेगा गायत्री। उन पैसों के साथ साथ जो तुमने मुस्कुराहट दी थी वो मैं तुम्हें दे दूं, तभी जाके मेरा उधार पूरा चूक पाएगा, वरना वो उधार ही रहेगा। तुम्हारी पसंद की कोई चीज खरीद के दे देता हूँ, भले कितना भी खर्चा क्यों ना हो। कितना भी खर्च हो परवाह नहीं। पर एक छोटी सी कंडीशन है, उसे जब भी देखोगी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। चला गया पता नहीं। ध्यान देना चाहिए था ना तुझे, कितनी बार कहा उसे कहीं जाने मत देना, फिर भी उसे जाने दिया तूने। छोटी बच्ची है, उस बेचारी ने क्या किया है? दिन रात ख्याल रखकर सारे घर का काम करती है ना, क्यों मार रहे हो उसे? क्या किया है उसने? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हाँ क्या हुआ अंकल? उनका बच्चा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं कहाँ चला गया। Cheers! पियो पियो। हेलो। हेलो, मैनेजर जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, और तुम? मेरा नाम स्वाति है, स्टोर में कॉल किया वहीं से आपका नंबर मिला। हाँ, बोलो बेटी। अंकल मेरे पापा का नाम विश्वनाथ है, आपके स्टोर में काम करते हैं ना? हेलो हेलो अंकल। एक मिनट चाचा जी। हाँ ठीक है। हाँ बोलो बेटी। मेरे पापा आपके साथ है क्या? यहाँ तो नहीं है, घर नहीं आए क्या? वो अभी तक घर नहीं आए, फोन भी नॉट रीच पर आ रहा है। चिंता मत करो। मैं देखता हूँ। पता लगा कि कॉल करेंगे ना। हाँ कर दूंगा। अच्छा अंकल आपका नाम? साईराम। क्या हुआ? क्यों क्या हुआ, बहुत टेंशन में लग रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं चाचा जी। ठीक है मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? हाँ 9 बज गए तो पुलिस मेरे मुंह में मशीन डालकर फूंकने को कहेगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 4 बार अगर फूंक दिया तो खत्म। चलता हूँ। ए सुरेश। सर। मुझे अर्जेंट घर जाना है, पार्टी खत्म होने तक तू यहीं पर रुक जा। सर मैं भी यहाँ हूँ। नहीं जा यार। चला गया था? क्या हुआ सर? तेरे फोन को क्या हुआ? कितनी बार फोन किया लेकिन फोन नहीं लग रहा। हा? वो अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा? बहुत मुश्किल हुई थी सर, बहुत परेशान किया। वो भले ही अकेला था पर बहुत सताया मुझे। ए, मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है? वो अब तक घर नहीं गया है, उसकी बेटी ने मुझे फोन किया था। कैसे जाएगा साहब जब वो मेरे पास है तो? ए, तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? मैंने तुझसे क्या कहा था, उसे 4 घंटे रोक कर रखना है उतना ही काफी है, छोड़ा क्यों नहीं? रोकने के 5,000 देंगे लेकिन मुझे 1,50,000 चाहिए। क्या कहा? हाँ? ये कैसी बात कर रहा है तू? 1,50,000 देंगे तो छोड़ दूंगा। हाँ? 1,50,000। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मार दोगे तो विश्वनाथ को कैसे ढूंढोगे साहब? तुम बहुत टेंशन ले रहे हो, मैं बाद में फोन करता हूँ। Oh,
विश्वनाथ आज भी नहीं आए। दो दिन बीत गए सर, इन्फॉर्म भी नहीं किया, कोई नोटिस भी नहीं दिया सर। क्या हुआ सर, आप टेंशन में लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं सर, इनवॉइस चेक करके आप चेक पर साइन कर दीजिए। ठीक है सर, रख दो, बाद में देख लूंगा। हेलो, पैसों का इंतजाम किया क्या? ए, इज्जत से कह रहा हूं विश्वनाथ को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। कल बोला था ना, समझ में नहीं आया क्या? ए, तेरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं, हाँ? तुझे जो करना है कर ले। साहब, असली बात तो मैंने बताई नहीं, वहाँ पीने के लिए पानी के अलावा और कुछ नहीं है। एक आदमी हवा और पानी के सहारे कितने दिन तक जिंदा रहेगा मुझे कुछ नहीं पता। अब विश्वनाथ की जिंदगी और मौत आपके हाथ में है साहब। तू कितनी भी धमकी मुझे दे दे, लेकिन मैं हेलो ये सेक्शन कौन संभाल रहा है? मैं संभाल रहा हूँ। क्या ऐसे संभाला जाता है? सारा स्टॉक ऐसे छोड़ दिया, रैक पर नहीं रख सकते? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है जो मैं बताता फिरूं? अगर दोबारा रिपीट हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे विश्वनाथ कौन है? वो तो कई दिनों से यहाँ पर नहीं आया है। ए, क्या चाहिए? सर, विश्वनाथ जी ने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए केक ऑर्डर किया था, डिलीवरी देने के लिए आया हूँ। विश्वनाथ जी ने केक भी ऑर्डर कर दिया सर। अरे सुनो, एक मिनट पेन दिखाना। जी सर, देखिए। इसलिए आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं सर? वो पार्टी देने का प्लान कर रहे हैं। से मिलना है? विश्वनाथ जी का घर यही है? हाँ, पर मेरे पापा घर पर नहीं है। तुम्हारी माँ है क्या? हाँ है, आप कौन? साईराम। साईराम अंकल, मैंने आपको कॉल किया था, आइए ना अंदर, आइए आइए ना बैठिए। माँ, कॉफी लेंगे क्या? नहीं, विश्वनाथ ने अपनी बेटी के लिए बर्थडे केक ऑर्डर किया है, वो आज स्टोर नहीं आया तो मैं देने चला आया। ये बर्थडे केक है बेटी के लिए। ओके, एक मिनट रुकिए। स्वाति, तुम अंदर जाओ बेटी। वो कहाँ गए हैं आपको पता है क्या? हमारे घर की कोई बात क्या उन्होंने आपको बताई? नहीं तो? हमारा झगड़ा चल रहा था इसीलिए चले गए। जब भी मुझसे झगड़ा करते हैं अपने दोस्तों के घर चले जाते हैं और अगले दिन वापस आ जाते हैं। बेटी फोन करेगी इसीलिए फोन हमेशा ऑन रखते हैं, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ कर रखा है। जान पहचान के सभी लोगों को कॉल किया, किसी के पास नहीं गए। बेटी ने कल से कुछ नहीं खाया है, आज उसका बर्थडे है। पापा नहीं आएंगे तो कुछ नहीं खाऊंगी, ये जिद पकड़ के बैठी है। वो कहाँ है अगर आपको पता चलेगा तो उन्हें घर आने को कहेंगे क्या? हाँ हाँ, जरूर कहूंगा। रुकिए, मेरे पापा को जब भी गुस्सा आता है दोस्तों के पास नहीं जाते, कहाँ जाते हैं मुझे पता है। आप मेरे साथ वहाँ चलेंगे क्या प्लीज? यहीं पर रुक जाइए, यहीं ऊपर अंकल। तुम्हारे पिता ड्रिंक नहीं करते, उन्होंने तुम्हें यही कहा होगा। नहीं अंकल,
अंकल, पापा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते, एक बार चल के देखते हैं, प्लीज। यहाँ ऊपर? हाँ। मैं देख कर आता हूँ, तुम यहीं पर रुको बेटी। देखा ना? हाँ? टेरेस पे भी देखा क्या? टेरेस पे? एक बार वहाँ जाकर भी देख लीजिए ना। टेरेस ऊपर नीचे हर जगह देख लिया मैंने, कहीं नहीं है। पता नहीं आपने ठीक से देखा या नहीं, मैं देख कर आती हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं है। सॉरी बेटी, वो तुम्हारे जाने के लिए सही जगह नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, सच में नहीं है। तुम्हारे पिता भले ही जहां भी हो, मैं लेकर के आऊंगा। हेलो, नमस्ते साहब, पैसों का इंतजाम हो गया क्या? ए, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, 5,000 के साथ और 10,000 दे सकता हूँ, उसे छोड़ दो यार। इन्वेस्ट मत करो साहब। ए, 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 ये धोखेबाजी है, सरासर धोखेबाजी। मैंने तुम पर भरोसा किया था। उससे बड़ा धोखेबाज हूँ क्या? वो विश्वनाथ तेरे साथ ही काम करता था, तू उसे धोखा देना चाह रहा था। हाँ हाँ, मेरी गलती है, अब पछता रहा हूँ मैं। उसे छोड़ दो यार, उसका एक प्यारा सा परिवार है। बेचारी, उसकी बेटी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और पागलों की तरह मुझे वो देखे जा रही। प्लीज उसे छोड़ दो यार, मैं अपनी गाड़ी बेच के और 25,000 दे दूंगा। आप जो बोल रहे हो मुझे सुनाई दे रहा है साहब, पर समझ में नहीं आ रहा है। ए, तुझे कैसे समझाओ यार, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है। अगर मैं अपने आप को 25,000 में गिरवी भी रख दूं तो मैं तुझे 50,000 दे सकता हूँ, लेकिन अगर उसे कुछ भी हो गया तो उसकी फैमिली रोड पर आ जाएगी। आपकी दुखद कहानी सुन के रोना आ रहा है साहब। अगर मैं आपकी दुखद कहानी सुनाऊंगा ना तो तुम भी रोओगे साहब। अगर तुम चाहते हो विश्वनाथ वापस आ जाए तो 150,000 तैयार रखो, कल फोन करता हूँ। दास बता ना, पैसे कहाँ लेकर के आऊँ? दास सुबह उठते ही फोन में लग जाती है। रुको, दूध लेकर आती हूँ। हेलो। हे, मूवी? ये कोक फ्री है? हाँ हाँ। टाइटल्स खत्म होने तक खत्म हो जाएगा, तुम जाके कैरेमल पॉपकॉर्न भी ले आओ ना। भाई, 2 पॉपकॉर्न 1 कोक कितने का है? 420 सर। 420 का? यस सर। 150 रुपया देकर फिल्म देख रहे हैं और हमसे 400 रुपया खर्च करवा रहे हो, महान हो भाई तुम लोग। हेलो भैया। हे, हाय विजय, क्या हुआ, कॉलेज बंक किया क्या? एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है ना? कर रहा हूँ भैया, बहुत सारे डाउट्स हैं आपसे पूछने थे पर आप तो आजकल मिलते ही नहीं। अरे, मैं आजकल थोड़ा बिजी रहता हूँ, मैं तुझे कल बताऊँ तो चलेगा? ठीक है भैया, थैंक यू। विजय, क्या हुआ भैया? उस दिन तूने मुझे फीस दी, मैंने ली नहीं, वो आज देगा? आपने ही तो मना किया था ना उस दिन। सोचा था बाद में ले लूंगा, अभी देना। ठीक है भैया। भैया कितना? 500। बाय भैया। बाय यार, थैंक यू। हे, इतनी देर क्यों कर दी? वो मेरा फ्रेंड मिल गया था। अच्छा, सीन मिस कर दिया?
अच्छा क्या हो रहा था? बाद में बताती हूँ, पहले देखो। ओके। हे वो वीडियो अच्छी है ना? हे वन मिनट। हेलो हेलो हेलो। अरे मेरी शर्ट दे यार, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की थी, हाल ही में पैचअप हुआ यार, प्लीज मेरी शर्ट दे दे। ये डिलीट नहीं की क्या? अरे क्यों, क्यूट मोमेंट है, इसीलिए मैंने रखी है। मैं डिलीट कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, इसका घमंड है? हाँ। अभी नहीं। अरे क्या कर रही है? नहीं नहीं नो, सुनो तो, मुझे दो। नो, हे नहीं, तुम भी नहीं, मुझे दो। हे दो। हे दो, मैं ये अभी डिलीट कर रही हूँ, दोबारा रिपीट करोगे तो मारूंगी। पर लास्ट टाइम तो तुमने कैजुअली लिया था। तब हम स्ट्रेंजर्स थे, अभी हम फ्रेंड्स हैं। ये क्लिप देखकर हमें कोई फ्रेंड्स नहीं समझेगा। एसआई सर से भी मिलके गया, मैंने कहा कि आप भी बात करोगे। अंकल एक छोटा बच्चा गुम हो गया है। कौन है वो? मेरा फ्रेंड वीर, वो उसके मम्मी पापा हैं। उन्हें बुलाओ यहाँ पर। कपड़े भी धो। वीर गुम हो गया है, मैंने बता दिया, पुलिस अंकल आपको बुला रहे हैं। पुलिस वालों के पास क्यों? चलिए वो हमारी हेल्प करेंगे, चलिए ना। वो सारे फिटनेस वीक है अंकल। नमस्ते सर। क्या हुआ रे? मेरा बच्चा लापता हो गया सर। उसकी उम्र कितनी है? 4 साल। क्या? 4 साल। दारू बहुत पीता है क्या? मैं सुबह काम पर जाता हूँ और सीधे शाम को घर आता हूँ, मेरी ऐसी आदत नहीं है सर। दारू के लिए बच्चे को भेज दिया होगा? हाँ सर। नहीं अंकल, ये सच कह रहे हैं, मॉर्निंग काम पर जाते हैं और रात को लौट कर आते हैं। वैसे ये स्कूल की बच्ची ये सब बातें क्यों कर रही है? इसे भी भेज दोगे क्या? साहब ये ऐसे आदमी नहीं है, मेरा बेटा सच में खो गया है। पैदा करके रोड पर फेंक दो और फिर हम ढूंढ कर लाएं। बच्चे पालने की औकात नहीं है तो बच्चे क्यों पैदा करते हो? कहाँ रहता है तू? उस झोपड़ी में ना? तेरे बाप की जमीन है क्या वो? कहीं भी झोपड़ा बना के बस जाते हो? निकलो। भिखारी बनके। मासूम लोग हैं अंकल, उन्हें कुछ नहीं पता, प्लीज वीर को ढूंढ दीजिए। मैं पैसे लेता हूँ, ये बात किसने बताई? भूषण सर। उनसे क्या लेना देना, कल से अगर तुम ऐसे अरे गहरे लोगों के साथ घूमती नजर आई ना तो डायरेक्ट तुम्हारे प्रिंसिपल को बताऊंगा, ठीक है? अभी स्कूल जाओ। अंकल। हाँ आ रहा हूँ। इस टाइम क्यों आई हो बेटी? अर्जेंट है अंकल, आप मेरे साथ आइए। क्यों, क्या हुआ? मिनिस्टर जी का बेटा कहाँ रहता है मुझे पता है, उसके कहने पर पुलिस वीर को ढूंढ निकालेगी। अंकल हमें मिनिस्टर साहब के बेटे से मिलना है। बच्चों की एंट्री नहीं है। प्लीज अंकल बस 5 मिनट। निकल।
आपका बेटा कहाँ है? एक छोटा बच्चा गुम हो गया है, बहुत अर्जेंट है, आपसे बात करनी है। नमस्ते सर। मैं यहाँ मिलूंगा, किसने बताया? भूषण सर। ये कौन है, तुम्हारे घर का नौकर है क्या? नहीं नहीं, इनका बेटा मेरा फ्रेंड है। तो खुद को मदर टेरेसा समझती है क्या? चिल आउट, बाहर निकल, मजे कर, एंजॉय कर, स्कूल जा, ये सब करने की क्या जरूरत है? ए, तू रो क्यों रही है? आप कब रोते हैं? मैं? रिलैक्स किडो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपकी कार को कुछ होगा तो आप रोएंगे ना? अरे सुनो सर, यहाँ महिता नाम की स्टूडेंट 7th क्लास में है सर, मुझे एक बार उससे बात करनी है। किस बारे में? एक लापता बच्चे की कंप्लेंट की थी उसने। अभी लेकर आता हूँ। हाँ, और एक बात सर, यहाँ भूषण सर। भूषण सर? ये देखिए आगे। बोलिए सर, आपके बेटे का एडमिशन करना है क्या, या आपकी बेटी के लिए? स्कूल में आप कौन सा लेसन पढ़ाते हैं? सब स्कूल के मुताबिक मैं 2 लेसन ज्यादा पढ़ाता हूँ, सिलेबस और आउट ऑफ सिलेबस दोनों। आउट ऑफ सिलेबस मतलब मंत्री का बेटा बार में पी के गिर जाता है, पुलिस रिश्वत लिए बिना काम नहीं करती है, ये सब ना? आप क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर। वो मैंने ऐसा कभी पढ़ाया नहीं है सर, ऐसा अगर पढ़ाया होता तो वैसे आपको मेरे बारे में किसने बताया सर? यही अंकल है ना, पुलिस रिश्वत लिए बिना कोई काम नहीं करती है, ऐसा कहा था ना? दरअसल वो मैंने बचपन में फिल्म देखी थी और वही बात मैंने कैजुअली बताई थी इसे। हाँ लेकिन आप ऐसे सच में लेते हैं, ये मुझे पता नहीं था। अब ऐसे ही मैंने बोल दिया, छोटी बच्ची है, मिस कम्युनिकेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस फेयर, बस इतना ही। थोड़ी इंग्लिश कम कर और फिल्मों की बातें बताना बंद कर, नहीं तो मुझे तुझे फिल्म दिखानी पड़ेगी, समझ गया ना? सर निकल। हेलो सर। पेन। थैंक यू सर। तुम मिनिस्टर के बेटे को जानती हो, ये बात बताई क्यों नहीं? हमें हाल ही में रेलवे ट्रैक पर एक बॉडी मिली है, तुम जिस बच्चे को ढूंढ रही हो और इस तस्वीर में जो बच्चा है, देखकर बताओ ये वही है? देखो देखो बेटी। तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत है बेटी, वो बच्चा तुम्हें जरूर मिल जाएगा। अरे कह रहे थे कितना खर्चो, हमें कोई परवाह नहीं, तो फालतू चीजें क्यों खरीद रही हो? कोई महंगी चीज खरीदने को बोलो, वो हंसे ना हंसे कोई परवाह नहीं है। अरे एक घर खरीदने को कहो ना। ये तो बस कहने की बात है भाभी, अगर गलती से मैंने घर खरीदने को कहा तो जब दिखूंगी ना तो वहां से भाग जाएंगे। ये देखो देखो देखो,
कांजीवरम की साड़ी। लोग तुम्हें इस साड़ी में देख के जल जाएंगे और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। यही फिक्स कर लेते हैं भाभी, अब और कुछ नहीं सोचना। देखो ये गोल्डन बॉर्डर कितना महंगा लग रहा है, तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। इसके ऊपर बैंगनी रंग का ब्लाउज तो बहुत जमेगा। भाभी हाँ, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। क्यों? चार बार पहन लूंगी तो फिर बोर हो जाऊंगी, नया फ्रिज खरीद लेती हूँ। कि पुराना फ्रिज ना मेरी जान खा रहा है। नया फ्रिज आ जाएगा, रोज 10 बार खोलकर बंद करूंगी तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी ना। सही कहा, आजकल तो कमरे के बराबर साइज के फ्रिज आ रहे हैं। अच्छा? हाँ मेम साहब, मैंने भी एक दिन ऑटो में देखा था। ये मॉडल्स नए हैं मैडम। भाभी इस दुकान में फ्रिज कितने छोटे हैं ना। हाँ शायद जानबूझ के छोटे दिखा रहा है, हमारी शक्ल देख के सोचा होगा कि हम बड़ा नहीं खरीद सकते हैं। तो अच्छा। यहाँ पर सारे छोटे छोटे फ्रिज हैं, कोई बड़ा नहीं है क्या? है मैडम, वो 60,000 से लेके 1,00,000 के ऊपर है। हम क्या तुझे खरीदने को बोल रहे हैं, तो रेट की क्यों फिक्र कर रहा है इतनी? अरे बड़ा फ्रिज दिखाना हमें। ओके मैडम, चलो आइए। ऐसे कर रहा है जैसे कि ये मेरा पति है, फ्रिज दिखाया नहीं और कह दिया बजट में नहीं है। ये सैमसंग का फ्रिज है मैडम। अरे दरवाजा तो खोल के दिखाओ जरा। भाभी भाभी हाँ हाँ, क्या हो ना? एक मिनट आती हूँ। सर वहाँ देखो। हाय भाभी, इस टीवी में हमारा सीरियल फिल्म की तरह दिखाई देगा ना। वो जो साड़ी पहनी है ना वो ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट क्लियर पता चल जाएगा। हाँ। ये कितने का है? 2,00,000 का मैडम। 2,00,000 का? 2,00,000 का ये मैडम। फिक्स प्राइस है क्या? इसीलिए आपको मैं उस तरफ ले गया था। जितना पूछे उसका जवाब दो, ज्यादा ज्ञानी मत बनो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटी गायत्री। मुझे क्या चाहिए मैंने डिसाइड कर लिया। क्या चाहिए बोलो ना। सैमसंग टीवी, एस मोटरसाइकिल। मैं जो सोच रही थी तुमने तो वही बोल दिया भाभी। अच्छा भाभी, अगर हम बाइक खरीदेंगे तो सिर्फ 2 लोग जा पाएंगे, कार खरीदेंगे तो पूरा परिवार खुशी खुशी घूम सकता है ना। भैया एसी थोड़ा बढ़ा दो ना। भाभी हाँ, वो धूल जरा भी नाक में नहीं आ रही। भैया जरा गाड़ी रोको, कार तो खरीद लेंगे पर उसमें हर बार पेट्रोल नहीं भरवा पाएंगे ना। हाँ। कुछ भी खरीदो खराब हो जाएगा, सिर्फ सोना खराब नहीं होगा भाभी, रख रखाव का भी कोई खर्चा नहीं। ये शॉप? ये शहर की सबसे बड़ी शॉप है, ऐसा कुछ भी नहीं जो यहाँ ना मिलता हो। यहाँ कुछ पसंद ना आए तो दूसरी शॉप पे चलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। इनको जो चाहिए वो दिखा दो। सर मैम प्रीमियम डिजाइन सुपर है, आइए। जाओ बेटी। और हाँ सुनो, रिलैक्स होके तुम्हें जो भी चाहिए वो ठीक से देख के खरीदना, जाओ सेलेक्ट करो। मैम ही इज आवर मैनेजर। नमस्ते मैडम। थैंक यू मैम। प्लीज जरा वो दिखाइए। मैडम ये कितने का है? आप सिलेक्ट कीजिए मैडम, जल्दी क्या है, आप पसंद कीजिए, रेट लग जाएगा। जरा वो दिखाइए ना। वो ओल्ड फैशन है मैडम, ये देखिए लेटेस्ट डिजाइन। बैठी मैडम प्लीज। सिर्फ सोना खराब नहीं होगा भाभी, तो फिर अगले साल ये भी ओल्ड फैशन हो जाएगा ना। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, नए डिजाइन के आते ही आपको हमारे शॉप में अच्छे रेट में एक्सचेंज मिल जाएगा। अरे इडियट, एक काम भी नहीं कर सकता, ये लेके जाए दूसरा जूस लेके आ। सॉरी मैडम सॉरी। क्यों बेटी? हा? वो नेकलेस पसंद आया तुम्हें? सर अगर आप बुरा ना माने तो मुझे एक और दिन का समय देंगे। ओके। Thank you.
अभी? हाय। हाय, अब तक सोए नहीं? नहीं। मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे नींद ही नहीं आ रही। क्या हुआ? यू नो, मेरा यूएस का वीजा अप्रूव हो गया। कॉन्ग्रेट्स। थैंक्स। ड्राइव पर चले। Hey! Wow! This place is like heaven. Awesome! So, कौन सी यूनिवर्सिटी? Stanford. It's a beautiful place, na? Two time miss हो गई थी. Finally, I got it. Hey, once again. ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ. Open it. Yeah. पसंद नहीं आया क्या? It's beautiful. सबके लिए कुछ खरीदा, तुम्हें क्या पसंद है पता नहीं। बहुत सोचा तुम्हारे पसंदीदा लैपटॉप के लिए, फिर बैग खरीदा। नाइस ना? दिल के इतने करीब है तो इसे बेच क्यों रहे हो बेटा? जो दिल के और भी करीब है। बहुत अच्छा ही है। थैंक यू सो मच। फ्रेंडशिप में नो थैंक्स नो सॉरी। मुझे भी तुम्हें एक सरप्राइज देना है। Really? What? कल कहाँ रहोगी? शॉपिंग। आई हैव सो मच टू शॉप। हे, दो चाय। वीजा मिलने का मुझे कितना टेंशन हो रहा था पता है? वो देखो। ओह माय गॉड। हे, मुझे तो लगता है किसी ने सरप्राइज प्लान किया होगा तुम्हारे लिए। अभी अभी ने कहा था मुझे सरप्राइज देगा। अभी? कितना क्यूट है ना? यही कहीं होगा। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट बन जाओगी। रोज जब मैं पढ़ने के लिए उठता था तो सबसे पहले तुम्हारा गुड मॉर्निंग मैसेज देखता था। हमेशा मैंने मार्क्स के लिए मेहनत की, फिर तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। तुम मेरी दुनिया हो आयरा। आई लव यू। I love you so much. Ira, say yes. Yes! 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 Stop it, Abhi. Yes! 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 Abhi, stop it. Yes! 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 Stop it. Yes! Stop it. I love you. You? Yes! रेडी है क्या? दास, वो कुछ 20,000 कम पड़ रहे हैं। क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर तो बहुत मुश्किल है। ए, 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 मेरी बात तो सुन। क्या है, बोलो। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया, पर मुझसे नहीं हो पा रहा है, प्लीज। मैंने पहले ही कहा था सर, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। रखता हूँ। ए, ए, दास, फोन मत रख। सच कह रहा हूँ यार, बहुत कोशिश की, मुझसे नहीं हो रहा। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे छोड़ दे। ठीक है, पैसे लेकर वाले स्टेशन पे आ जाओ। वहाँ ब्रिज पे चढ़ के बीच में रुक जाना, नीचे दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे मैं दिखाई दूंगा। पैसे ब्रिज पे रख देना, विश्वनाथ का एड्रेस मैं चिट्ठी में लिख करके प्लेटफॉर्म पे रख दूंगा। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तेरा दोस्त तुझे नहीं मिलेगा, याद रखना। Thank you.
दास। 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 दास, 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 हे, उठ जा भाई, ए दास बात कर मुझसे, दास क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? क्या आप इसे जानते हैं? बताइए कौन है ये? अभी तक तो ठीक था। अरे किसके पास पानी पानी लेकर आओ। हाँ लाइए लाइए। चाचा जी आप कहाँ पर हैं? मैं आपसे कितने बजे मिल सकता हूँ? तुम्हें याद है साई, बचपन में जब तुम स्कूल से आ रहे थे तब तुम्हें रास्ते में 100 का नोट मिला। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी देवी तुम्हें ढूंढते हुए आई थी। इसे छिपा कर रखना और जो तुम्हें चाहिए वो ले लेना। मैंने कहा था तो ये हमारा नहीं है चाचा जी कहकर तुम मंदिर की तरफ भागते हुए गए। भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा ये जिस किसी का भी होगा उसे दे देना, कहकर तुमने दानपात्र में डाल दिया। उस रास्ते से तुम इस रास्ते पर कैसे आ गए? मैं सोच रहा था कि मैं जीना सीख रहा हूं, लेकिन इंसान की तरह जीना भूल गया ये मुझे पता नहीं था। जब मैं कॉलेज में था तो एक बार गांधी जी के बारे में टॉपिक लिखने को आया, तो मेरे और उनमें क्या फर्क है? मैं भी बिल्कुल गांधी जी की तरह सच्चाई की राह पर चलता हूं, ईमानदारी पर चलता हूं, अहिंसा को मानता हूं, ऐसा मैंने गर्व से कहा था। महात्मा और आम इंसान में क्या फर्क है? तब मुझे पता नहीं था चाचा जी, उनके माथे पर बंदूक रख दी फिर भी उन्होंने रास्ता नहीं बदला, इसीलिए वो महान बन गए। छोटा सा दुख मेरी जिंदगी में आया और मैंने रास्ता बदल लिया, इसीलिए इंसान भी नहीं बन पाया, शैतान बन गया। अब तुम क्या करोगे? इसमें 130,000 रुपए है चाचा जी, हो सके तो माफ कर दो ये कह के ये पैसे विश्वनाथ के परिवार को दे दीजिए। इससे ज्यादा देने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन जाकर सब बता दूंगा जो कुछ भी हुआ है। अपने परिवार के बारे में एक बार भी सोचा तुमने? आखिरी बार एक कोशिश करते हैं ना यार, अगर तब भी विश्वनाथ कहां है ये नहीं पता चला तो जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। हाँ, उसका घर कहाँ है पता है क्या? वहां जाएंगे तो शायद कोई क्लू मिल जाए। हाँ, सेठ को पता होगा। हे, बोला था ना कि मैं आ जाऊंगा। सर 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 सर, बात कुछ और है सर, आपके लिए विश्वनाथ जी की बेटी वेट कर रही है सर। से बोल दे मुझे आने में देर हो जाएगी, अब फोन रख और उसे जाने के लिए कह दे जा।
जब तक खुशी का पीछा नहीं किया तब तक समझ नहीं पाई कि दुनिया भर की सारी खुशियां तो यहीं पर हैं। इतनी प्यारी मुस्कान तो तुम्हारे पास पहले से ही, तो तुम्हें कुछ और देने के लिए क्या बचा है बेटी? है सर, कल जब हम ज्वेलरी शॉप में गए थे तब हमें कितना सम्मान मिला था वहाँ, मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट? हाँ सर, आप अभी बड़ी पोजीशन पर हैं, अगर आप चाहें तो मेरे पति को एक अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। तुम्हारे पति ने कहाँ तक पढ़ाई की है? उन्होंने डिग्री पास की है सर। अच्छा। सेकंड क्लास में, पर बहुत समझदार इंसान है वो, आप कोई भी नौकरी देकर देखिए पूरी ईमानदारी से करेंगे, वो बहुत मेहनती है सर, मैं सच कह रही हूँ सर। सेकंड क्लास में पास होने वाले पति के बारे में इतनी बातें बता दी तुमने, डिग्री में कॉलेज में फर्स्ट आने वाले अपने आप के बारे में तुमने कुछ भी नहीं बताया अभी तक, ये कैसे चलेगा बेटी? अपनी पढ़ाई की बात तो मैं शादी के बाद भूल ही गई, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी तो शादी नहीं होगी ये कहकर हमारे घर वालों ने मुझे बताने नहीं दिया, तब पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा तो अब क्या सोचूंगी सर? अगर अभी सोचेंगे तो गलत क्या है इसमें? तुम अगर हाँ कहोगी तो तुम्हारे पति को नहीं तुम्हें भी एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए सर, मैं कौन सी नौकरी कर पाऊंगी? सिंगापुर में मेरा बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्लांट चला रहा है, बताया था ना, तो उस जगह के लिए हम लोग एक इंचार्ज अपॉइंट करना चाहते हैं। वैसे भी उसके लिए मैं बोर्ड मीटिंग में जा ही रहा हूँ, वो मीटिंग तुम्हारे लिए एकदम सही होगी। लेकिन सर, तुम हाँ कहोगी तो मैं सभी को मना लूंगा और तुम्हें वो नौकरी दिलवा दूंगा। बच्चे बड़े हो गए हैं सर, इस समय मेरा यहाँ रहना उनके लिए जरूरी है ना? ये एक अच्छा मौका है, यू आर लिविंग फॉर द बेस्ट। और ऊपर से आप सिंगापुर कह रहे हैं, ये नौकरी अगर मेरे पति को भी देते तो मैं जाने नहीं देती, इतनी दूर जाकर नौकरी क्यों करनी है सर, मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। देखो बेटी, अगर ये चांस छोड़ दोगी ना तो शायद दूसरा चांस मैं भी तुम्हें ना दे पाऊँ, और अगर तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल रही है तो तुम्हारे घर वाले क्यों मना करेंगे? मेरे पति को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, शाम को घर आने के बाद सबसे पहले वो मुझे देखना चाहते हैं, वरना वो रह नहीं पाते। ऐसा इंसान मुझे दूर भेजने के बारे में सोच सकता है क्या सर? ठीक है बेटी, तुम अपने पति को फोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। फोन करो, देखते हैं क्या कहता है वो। हेलो, मेरे प्रोफेसर के बारे में बताया था ना मैंने आपको, वो आपसे बात करना चाहते हैं। एक छोटी सी बात है, तुम्हारी बीवी के लिए मैंने एक अच्छी नौकरी ढूंढी है सिंगापुर में, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे चाहे कितनी अच्छी नौकरी क्यों ना हो, ऐसा बोल रही है। वो खुश होके कह रहे हैं कि आपका ये एहसान मैं इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगा, तुमसे बात करना चाहते हैं, बात करो। हेलो, उन्होंने क्या बात की आपकी समझ में आया ना? आप पागल हो गए हैं क्या? मैं अकेले जाकर सिंगापुर में काम करूं? ठीक है, काम में बिजी हैं इसलिए आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं इस वक्त, शाम को बात करते हैं, रखती हूँ। शाम को उनसे बात करके बताती हूँ सर। अच्छा, यही होगा, अर्जेंटली तुम्हारा पासपोर्ट मैं तैयार करवाता हूँ, तुम सिंगापुर जाओ या मत जाओ वो काम तो आएगा ही। चलता हूँ बेटी। ठीक है सर, फिर मिलेंगे। एक छोटा बच्चा गुम हो गया है, आप पढ़ लेंगे तो अपने फ्रेंड्स को देना, आपके पढ़ने के बाद अपने फ्रेंड्स को देना। भाई ये देखिए, एक छोटा बच्चा गुम हो गया है। अंकल, दीदी, ये पढ़ लीजिए फिर अपने फ्रेंड्स को दे दीजिएगा। ओके। ये पैम्पलेट है, वेस्ट पेपर नहीं है। तुम इतनी सीरियस लग रही हो, मतलब लगता है मैटर बहुत ही सीरियस है। नाम है वीर, मिल नहीं रहा है, तुम्हारा भाई है क्या? मेरा फ्रेंड है, बेचारा कहीं खेलते खेलते खो गया। खेलते हुए गुम हो गया? एक बार उधर देखो, यहाँ हर इंसान अपनी जिंदगी में गुम होकर जी रहा है। अब एक छोटा सा बच्चा गुम हो गया है तो उसकी फिक्र करने के लिए टाइम किसके पास है, सब अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं। जिंदगी यूं तू कैसे भूले, कुछ तो कह तू, कैसी है ये लाचारी, तुझसे कैसे बोलूं, कैसे गम को हम सहे, ये बात कैसे बोलूं, कभी इतना गम ना रहा क्या ये
बराबरी के लिए तुमने दास को भेजा था ना? हाँ। मैं उसे ढूंढने आया हूँ। किसी टूटे हुए घर में पीकर पड़ा होगा, पैसे खत्म होते ही खिड़की का लोहा गेट चोरी करके बेचने के लिए मेरे पास आया करता है। अगर मुझे सिंगापुर में नौकरी मिलती है तो मुझे जाना चाहिए या नहीं, यही पूछने के लिए फोन किया था। ये पास में विजेता थिएटर के सामने कुछ झोपड़े हैं सर, शायद वहाँ आपको मिल जाएगा। घर जाने के लिए इसे बहुत बार बोला, लेकिन मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा आने के बाद जाऊंगी, ऐसा बोल रही थी। 10 साल तक अगर वही रहूंगी और बीच बीच में सिर्फ त्योहारों पर यहाँ आऊंगी तो मैं माँ हूँ ये बात भूलकर मुझे गांव से आया हुआ कोई रिश्तेदार समझेंगे। ये गम जो है जैसा है, मेरा दिल ये मुझसे कहता है। तुम बिना बताए ऐसे आओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हारी कितनी फिक्र करेंगी। मेरे पापा कब आएंगे? ये वक्त चाहे जैसा हो, दुनिया से अलग जैसा हो, उन्हें दो मुक्ति दो, दिल से जरा हमको देखो, हमें तुम जरा तो देखो, तुम जान लो हो। What? तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। मर भी जाओ तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा अगर तुमने मुझे कॉल करने की कोशिश की तो देख लेना, पुलिस को कंप्लेन करके लाइफ स्पॉइल कर दूंगी। एंड आई वोंट वॉर्न यू अगेन। आप पढ़ लीजिए फिर अपने फ्रेंड्स को दीजिए। ठीक है बेटी, ये लो। थैंक यू अंकल, आपने भी लिखा है क्या? तुम नहीं मानोगी। क्या हुआ अंकल? बोला था ना कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये पैम्पलेट्स रोड पे, फुटपाथ पे या जिसे दिल करे उसे दो, सब फेंक देंगे। स्वच्छ भारत चिल्लाने के बाद भी किसी ने डस्टबिन में भी नहीं फेंका। ये सब मैं उठा के लाया हूँ। आप सच कह रहे हैं? दीदी, एक छोटा बच्चा गुम हो गया है, अंकल ये पढ़ के अपने फ्रेंड को दे दीजिएगा। इस छोटे से पैम्पलेट से माथे की लकीर नहीं बदल सकती। ये आपको कहाँ पर मिला? मेरे घर के पास जो गणपति जी का मंदिर है वहाँ पे। दास की बेटी हो क्या? हाँ, क्या काम है आपको? दास के बारे में कुछ जानना था। उसका और मेरा रिश्ता टूट गया, वो इस तरफ कभी नहीं आता। इतनी बार बोलने के बाद भी आप बार बार यहाँ क्यों आते हैं? वो जिंदा है या मर गया इसके बारे में भी नहीं जानती। चला रहे। सुनो, तुमने हाल में उसे फोन किया था क्या? जी नहीं, हमारे पास फोन ही नहीं है। देख लो, वो दास हमें अकेला छोड़ दीजिए सर। वो कहाँ है ये भगवान ही जानते हैं। गलत काम करता है जेल जाता है, और अगर बाहर रहता है तो दारू पीकर तमाशा करता रहता है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो दास का दोस्त, छोटा सा पतला सा, आप उसे जानती? हाँ, उस बटले की वजह से ही मेरा पति ऐसा बन गया। अच्छा, वो कहाँ रहता है बता सकती? अंकल, एक छोटे से बच्चे के हाथ में ऐसा पेपर होगा, आपने देखा क्या? नहीं। वो वहाँ पर रहता है सर। सर, आप पुलिस में है क्या? आप लोग ऐसे ही कहते हो। अगर वो पकड़ा गया तो मरते दम तक जेल में रखिएगा उसे। तो चल रहे। अंकल, एक छोटा सा बच्चा ऐसे पेपर के साथ घूम रहा होगा, आपने देखा? नहीं बेटा। वो बच्चा कहाँ है मैं बताता हूँ बेटी। पहले इस पर तुम पैसे रखो, बस इतने ही है। मेरे पास और भी बहुत पैसे हैं, घर में डब्बा भर के हैं। वो सब आपको लाके दूंगी, प्लीज। वो कहाँ है बताइए ना। ओम क्रीम क्लीम।
ये लड़की जिस बच्चे को ढूंढ रही है वो कहाँ है? बताओ माता, बताओ माता, बताओ माता। मिल गया। देवी माँ के मंदिर पे जाओ बेटी, वो बच्चा खुद सामने से आएगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंकल। रुक, छोड़िए, रुक, रुक। विश्वनाथ कहाँ है बता? साहब आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ है विश्वनाथ, बता। विश्वनाथ? मुझे नहीं पता सर। तो फिर मुझे देखकर भाग क्यों रहा था बता? एक बार आपकी बाइक रोकी थी ना, मुझे लगा कि मुझे मारने आए होंगे, इसलिए भागा था सर, मुझे कुछ नहीं पता। देख 5 दिन बीत चुके हैं, अगर तू सच नहीं बोलेगा ना तो मैं तुझे मार दूंगा। तुझे पैसे ही चाहिए ना तो मैं दूंगा, 1.5 लाख नहीं 2 लाख दूंगा तुझे। अगर उतने काफी नहीं हुए तो तुझे जितना चाहिए उतना दूंगा। बता कहाँ है विश्वनाथ, बता। सच में सर, आप भले ही कितने ही पैसे दे दे, मुझे सच में नहीं पता सर। वो देखो, एक हफ्ते पहले ये सामान बेचने के लिए यहाँ फेंक कर गया। एक खरीदार आया था, फोन किया तो लगा नहीं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। सच में सर, भरोसा करो मेरा। दास का कोई और दोस्त है क्या? और दो है सर, पिछले 6 महीने से वो जेल में ही है। बेटी इधर आओ। बहुत ना समझ हो बेटी। क्या हुआ अंकल? मैं पेट पालने के लिए लोगों से झूठ बोलकर जी रहा हूँ, वो बच्चा कहाँ है मुझे नहीं पता बेटी। तो आपने जो कुछ कहा सब झूठ था अंकल? ये आपके हैं, रख लीजिए, अगर वीर कहीं नजर आया तो इस नंबर पे कॉल करके बताइएगा। एक मिनट रुको। ए, एक छोटा बच्चा हाथ में कागज लिए खो गया है, तुमने उसे कहीं देखा? 5 दिन पहले देखा था, अलवाल के पास एक टूटे हुए घर में देखा था उसे। एक हफ्ते पहले ये सामान बेचने के लिए यहाँ फेंक कर गया। किसी टूटे हुए घर में पीकर पड़ा होगा, पैसे खत्म होते ही खिड़की का लोहा गेट चोरी करके बेचने के लिए मेरे पास आया करता है। हाँ हेलो साईं। चाचा जी मैं एक मीटर का नंबर बताता, नोट करिए। किस लिए? इस मीटर नंबर के जरिए एड्रेस पता करेंगे तो विश्वनाथ का पता चल जाएगा। कहीं दूर जा रही हूँ कहती थी तो नहीं, तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा ये कहकर सब मुझे रोकेंगे सोचा था, पर उन्होंने तो, तुम जाओ दोनों काम करेंगे तो अच्छा रहेगा और सब खुश रहेंगे ऐसा कह दिया। मेरे बेटे ने कहा माँ इतने सालों की पढ़ाई का कोई तो फायदा होगा, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके लिए। और छोटी बहू माँ फ्लाइट में जाने वाली है, ये बात सबको बताकर खुशी से झूम रही है। मेरे बिना पता नहीं कैसे जिएंगे वो भाभी, उनके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। बेटी गायत्री। सर बोलिए सर। सब कुछ पैक कर लिया ना?
फ्लाइट 8 बजे है, तुम्हें 5 बजे तक एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा। मैं सीधे एयरपोर्ट पे मिलूंगा, ठीक है? ठीक है सर, टाइम पर आ जाऊंगी। अंकल, अलवाल के पास एक टूटे हुए घर में वीर को देखा गया था अंकल। एड्रेस मिल गया। ओके, मेरे फोन पे एसएमएस कीजिए। आते ही अपना होमवर्क कर लेना। मैं जब लौटूंगी तुम्हारे लिए बहुत सारे नए कपड़े लाऊंगी। चाचा जी, वो एड्रेस यही है ना? ये तुम्हें कहाँ मिला? ये रोड पर मिला था मुझे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पूछताछ की तो यहाँ का एड्रेस बताया। भी जाओ तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने कहा था ना लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए दिया है, वो पुराना हो गया है, नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। क्या यहाँ आसपास में कोई है? कोई नहीं है। मैंने अपनी यादों में झांक कर देखा, ऐसा कोई दिन मुझे याद नहीं आया जहां तुम नहीं हो। मेरे साथ रोज फोन पर बात करना भूलना मत। तुम नई बाइक पर घूमोगे ये मुझे देखने का मन है, इसलिए मैंने बाइक खरीदी है। कल घर पे डिलीवरी कर देंगे। मेरे जाते समय सरप्राइज दूंगी सोचा था, पर कोई नहीं आया। अब धीरज नहीं हो रहा है। कुछ पैसे दे दो ओ साहब, कुछ पैसे दे दो साहब, खाना खाना है साहब। तकलीफ में होगा तो भी इंसान चैन की नींद सो सकता है, पर गलती करने पर सो भी नहीं पाता। कुछ पैसे दे दो ना साहब। एक हफ्ते से मुझे नींद नहीं आ रही है, मन को शांति नहीं है, खुशी भी नहीं है। यहाँ कोई नहीं है। अभी भगवान पे सब सौंपता हूँ, पुलिस स्टेशन जाऊंगा और जो कुछ भी हुआ सब बता दूंगा। ये क्या किया? तुझे देख के तो कोई एक रुपए भी नहीं दे रहा है। मत मारो।
छुप कर। रोएगा तो बहुत मारूंगा। इस लड़के को इस तरह क्यों मार रहा है? किसी हॉस्पिटल में ले जाकर के इसके पैर का इलाज करा। ये लो, ये रखो। ठीक है ना? ठीक है साहब, भगवान आपका भला करे। जाओ, चले जाओ। ये बच्चा तेरा क्या लगता है? मेरा पोता है साहब। क्या का? पोता क्या लगता है तेरा ये? ये लो। ये क्या है? पैसे। तुम्हारा नाम क्या? वीर शंकर। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? माहिता। माहिता। हेलो, हेलो, नर्सिंग? नर्सिंग आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, मेरी बात हो गई है। ओके सर, ठीक है ठीक है। हेलो जी, सायरा अभी कराता हूँ सर। मेरे पापा मिल गए। सायरा, भगवान की कृपा से मैं बच गया। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। माहिता ने मुझे वहाँ से ढूंढ निकाला। कौन? माहिता, तुम्हारी बेटी, उसी ने मुझे बचाया। बेटी गायत्री, टाइम हो गया, वो लोग अभी तक नहीं आए। ओ, आ जाएंगे सर, ट्रैफिक में फंस गए होंगे शायद। बेटी गायत्री, टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। बस 10 मिनट सर, आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, पर एक कंडीशन है। जब तुम अंदर आओगी तो मुस्कुराते हुए आओगी। हाँ, माँ, इस तरफ। हाँ
माँ। ये क्या हुआ तुझे बेटा? कुछ नहीं माँ, दौड़ते हुए आ रहा था ना, इसलिए थोड़ा पसीना आ गया। क्यों बेटा, इतना थका हुआ क्यों है? रात भर पढ़ाई कर रहा था क्या? पढ़ाई में इतना मगन हो गया कि माँ जा रही है इस बात का ख्याल ही नहीं आया तुझे, है ना? ये बैग खो गया था, इस बात को लेके तुम बहुत दुखी थी ना माँ? ये बैग मुझे नदी में मिला। इसे भगवान ने जिसके पास पहुंचाना था उसके पास पहुंचा ही दिया। देखा, तुम मानोगे नहीं पर ये भगवान की महिमा नहीं तो और क्या है। पकड़ो, हाथ आगे करो, इसे हमेशा अपने हाथ में पहन कर रखना, कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। भले ही भगवान पर विश्वास नहीं है पर माँ पर तो है ना। तुझे देखे बिना ही जाना पड़ेगा ऐसा सोचा था, मेरी लाडली बिटिया। तुम्हारे लिए मैंने नया स्कूल बैग खरीदा है, मैं 6 महीनों में आ जाऊंगी ना, तब तक मैं रोज तुम्हारे साथ फोन पर बात करूंगी। माँ को ज्यादा मिस तो नहीं करोगी ना? रह लूंगी माँ, पापा और भैया तो है ही ना। क्या रह लूंगी कह रही हो, रात होते ही माँ माँ कहकर रोती हो। तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हारा ख्याल रखा है क्या? मैं रोज घर जल्दी आके बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अपनी तबीयत का ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना। तुम बेवजह डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा, कह रहा हूँ ना। क्या संभाल लेंगे, आखिर आपको पता ही क्या है? ये कितने बजे उठती है पता है आपको? कितने बजे इसे स्कूल जाना होता है ये पता है? कॉलेज जाने वाला लड़का है ये, कितनी पढ़ाई करनी होती है इसे, किताबें कपड़े। वैसे आपने अपना ख्याल कितने दिनों से नहीं रखा है पता है आपको? मुझे अच्छी तरह पता है, पहले हम कितना घूमते थे, कितने खुश थे हम सब एक साथ। रोज शाम को आकर बच्चों को बाहर ले जाना, उन्हें घुमाना, रात को उन्हें बैठा कर कहानियां सुनाना। माँ रुक, फोन आ रहा है। सर बेटी टाइम हो गया है। हाँ सर अभी आती हूँ सर। ओके आराम से, जाते ही फोन करना प्लीज। मैं अपना ध्यान रख लूंगी, मुझे आप लोगों की चिंता है। पासपोर्ट? जाइए। ध्यान रखना। गायत्री एक बार प्रोफेसर को फोन करो ना। किस लिए? अरे करो तो। सर एक मिनट है सर। हेलो 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 सर, मैं साईराम बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। उसके बिना हम रह पाएंगे या नहीं ये सोचकर वो बहुत डर रही है सर। गायत्री के बिना घर को साफ सुथरा रख सकता हूँ, बेटी की चोटी बनाकर स्कूल भेज सकता हूँ, बेटे के लिए मैं आधी रात को उठकर चाय भी बना सकता हूँ। जैसा हलवा वो बनाती है उसी तरह का हलवा बनाकर मैं बच्चों को खिला सकता हूँ। घर का वो सारा सामान लाकर मैं घर की सारी जिम्मेदारी भी उठा सकता हूँ सर। गायत्री की कमी महसूस किए बिना हर काम कर सकता हूँ, लेकिन हर एक काम मुस्कुराते हुए करना चाहिए, ऐसा आप कहते हैं ना? मैं ये सब मुस्कुराते हुए नहीं कर पाऊंगा सर। गायत्री हमारी मुस्कान है, अगर वो चली गई तो हम सबकी मुस्कुराहट चली जाएगी। माफ कीजिएगा, गायत्री को
आपके साथ नहीं भेज सकता। Bye.